पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस जो जनरल कंपटीशन में पढ़ रहे थे, आई थिंक 18 पार्ट वीडियो होगा, इसको ध्यान रखिए। और 17 को पहले हम लोग मतलब इसको देख चुके हैं, 17 पार्ट अपलोड इसमें किए हैं। और यहाँ आज हम लोग एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, चालों का अनुपात है ना, चालों का अनुपात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चालों का अनुपात कब आपसे पूछता है, यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन यहाँ पर बी है, मतलब एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति ए है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ए जो है इधर आ रहा और बी इधर जा रहा, ठीक है। ए जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ए बी की ओर जाएगा और बी ए की ओर जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ए इधर जा रहा है इधर जा रहा, तो जब दोनों एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहा, तो इस सिचुएशन में दोनों का स्पीड आपको है ना, दोनों का कुछ ना कुछ तो स्पीड रहा होगा। ए वाला जो महापुरुष है ए है ना बी की ओर जा रहा और बी जो है ए की ओर आ रहा, तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ए का स्पीड ऐसे है और बी का स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं एस बी, सही है। ए का जो स्पीड है इस दिशा में आ रहा ऐसे है और बी का स्पीड यहाँ कितना एस बी इस दिशा में जा रहा। अच्छा ये बताइए, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा था, बीच में कहीं ना कहीं दोनों मिला होगा, ठीक है, दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिला होगा। अब आइए इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है, इसमें आपको ये कहता है, ध्यान दीजिए, एसे आर डिवाइडेड बाई एस बी आपको चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको पूछता है, या ये कहिए कि इसको निकालने के लिए आपको बोलता है कि एसे और एस बी मतलब दोनों के चालों का अनुपात बता दीजिए, दोनों के चालों का अनुपात बता दीजिए। लेकिन उसके लिए देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि ए मतलब ए जो है और बी दोनों कहीं जाके बीच में मिला। अच्छा, मिलने के बाद देखिए क्या देता है, मिलने के बाद का कंडीशन देगा आपको, दोनों यहाँ पर आके मिला है, मिलने के बाद ए जो है इसको बी तक पहुंचने में कुछ आपको टाइम दे देगा। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ये 25 मिनट का इसका है ना, 25 मिनट का टाइम लगता है, कब, ध्यान दीजिए, ए जो है ये बी की ओर जा रहा, बीच में कहीं मिला, दोनों बीच में कहीं मिला, मिलने के बाद क्या हुआ कि ए को मिलने के बाद ए को बी तक पहुंचने में कितना 25 मिनट, और यहां देखिए बी यहां पर आके मिला है दोनों, अब बी को यहां से यहां तक जाने में 16 मिनट का टाइम लगता है पहुंचने में। ये जो आपको समय दिया है सर, यहां पर मिनट में दोनों का टाइम है, मतलब यहां भी आपको मिनट है यहां भी मिनट है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर दोनों मिनट है तो दोनों मिनट में रहेगा, दोनों अगर घंटा में दिया तो दोनों घंटा में रहेगा, है ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अच्छा ये आप समझिए, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको क्या देगा, ये नहीं कहा कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं कहेगा, आपको ये बोल देगा समय आपको देगा, लेकिन समय आपको कब देगा, ये मिलने के बाद वाला टाइमिंग आपको देता है ना। यहाँ देखिए यहां पर दोनों मिला है, अब मिलने के बाद ए को बी तक पहुंचने में कितना समय 25 मिनट और बी को ए तक पहुंचने में कितना समय 16 मिनट। ये 16 मिनट आपको यहां से यहां तक नहीं दिया, 16 मिनट यहां से यहां तक कर दिया है ना, जहां मिला है मिलने के बाद का समय, मिले जब दोनों मिला, अब मिलने के बाद यहां तक पहुंचने में बी को कितना समय लगा 16 मिनट, मिला यहां और यहां के बाद से यहां तक आने में मतलब इस ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगा है 25 मिनट। तो ऐसा आपको सिचुएशन दिया रहेगा, अगर ऐसा कभी दे दें इसको सोल्व करना हो ना, तो सोल्व करने के लिए सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ रूट कर देना, ध्यान दीजिए क्या लिखें, एसे बटे एस बी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना कि जब भी कभी एसे बाई एस बी निकालना हो तो इसका वाला टाइमिंग नीचे, इसमें बटा में लिखाएगा, इसका वाला टाइमिंग नीचे करना है, इसका वाला टाइमिंग ऊपर करना है। ई बताइए ए को पहुंचने में कितना समय लगा 25, तो 25 नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा। ई बताइए बी को, बी है ना, तो इस बी को यहाँ यहाँ तक पहुंचने में, बी को पहुंचने में कितना समय लगा 16, तो इसका ऊपर चल जाएगा, इसके बाद इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। बताइए 16 का कितना 4 आ जाएगा रूट, 25 का कितना 5, तो ये आपका हो गया स्पीड का रेशियो। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपका स्पीड का रेशियो हो गया है, क्लियर है यहां तक। स्पीड का जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, स्पीड के रेशियो को निकालने के लिए ए का स्पीड कहेगा तो ए के टाइम को नीचे नीचे करना, ध्यान रखिएगा सामने सामने नहीं होना चाहिए नीचे, अब बी के टाइम को ऊपर करना, रेसिप्रोकल है, ध्यान रखिएगा, इसको रूट में रखना है, ये क्लियर है, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज जो आपको नोट करना है फॉर्मूला, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में टोटल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। ये कहा गया कि चाल का अनुपात चाहिए, किसके चाल का, ए का और बी के, दोनों के चाल का आपको अनुपात चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए,
ए जो है इस डायरेक्शन में चला है एसी स्पीड से, बी इस डायरेक्शन में आया है एसबी स्पीड से। अच्छा अब यहां देखिए बीच में दोनों मिला है, यहां पर बीच में लिखा गया कि मिला, यहां पर दोनों मिला। अच्छा जब ये दोनों इस तरह से रहा बीच में आके मिला, अब ए को बी तक जाने में टाइम कुछ मान लेते हैं टीए, यहां पर टाइम माने हैं टीए, ठीक है, मिलने के बाद का टाइमिंग है। और यहां देख लीजिए जब यहां बी आया, अब बी को ए तक पहुंचने में कुछ टाइम मान लेते हैं, यहां पर टीबी टाइम मान लेते हैं। अब कहा जाए कि इसका रेशियो बताइए, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट कर देना है। अब आइए एस ए है ना, तो ए जो ए है ए वाला का टाइम कहां जाएगा नीचे, ए वाला का टाइम कितना है टी ए, तो नीचे जाएगा, क्लियर है, और बी वाला का टाइम ऊपर जाएगा तो टी बी। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है, जल्दी से इस फॉर्मूला को टोटल नोट कर लेना है। नहीं यहाँ पर चालों का अनुपात चाहिए, लेकिन चालों का अनुपात कब चाहिए जो आपको समझना पड़ेगा, टाइम दिया रहेगा लेकिन टाइम मिलने के बाद वाला टाइम आपको दिया रहता है, ठीक है, मिलने के बाद वाला जो टाइमिंग है वो आपको दिया रहेगा। चलिए इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कीजिए और क्वेश्चन जहां तक हो गया उसके बाद अब हम लोग इसमें देखते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए कहां तक हुआ, 76 था का 6 ना 76, हाँ 76 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन करना है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रोक के सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा 81-82 तक बनेगा, 80 तक बन जाएगा टोटल, देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है 77 में। आपको ये कहा गया कि दो ट्रेन है जिनमें से एक स्थान सी से बी की ओर, दूसरा बी से सी की ओर, दो ट्रेन है, एक स्थान सी दिया है दूसरा बी, तो एक के बारे में कह रहा है कि वो सी से बी की ओर जाता है और वो बी से सी की ओर आता है ना, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है। फिर कहता है एवं दूसरा स्थान बी से सी की ओर एक ही समय में यात्रा करता है, हाँ फिर इसके बाद कहा दोनों के मिलने के बाद, बीच में दोनों का ही मिला है, दोनों के मिलने के बाद वे क्रमशः 4 और 9 घंटा है 9 घंटा में अपने उचित स्थान पे पहुंच जाता है, मतलब सी को जाने में कितना समय लगा है, इसी के लिए टाइम है, और ए वाला टाइम किसके लिए है, बी के लिए, सी जो है सी जब चला था यहां से यहां तक जाने में उसको 4 घंटा लगा, बी जब चला है तो मिलने के बाद का समय बी के लिए कितना दिया है 9 घंटा दिया है। कहता है दोनों के चालों का अनुपात चाहिए, तो दोनों के चालों का अनुपात चाहिए, तो S1 / S2 इसको लिख देते हैं, जब दोनों के चालों का अनुपात बताइए S1 इसके लिए माने हैं, तो ये बताइए इसके लिए टाइम कितना था 4, तो इसके लिए जो टाइम नीचे जाएगा, S2 इसके लिए माने बी के लिए माने हैं, तब बी के लिए कहा है तो बी के लिए टाइम कितना है 9, तो 9 इसका ऊपर जाएगा, तीसरा इसका टाइम नीचे इसका टाइम ऊपर जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/2 मतलब 3:2 देख लीजिए कौन सा इसमें है आंसर 3:2 3:2 आ जाएगा। देखिए सी है आराम से एकदम है ना, आसान क्वेश्चन है एकदम, आराम से इसको पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर था 77, अब आइए क्वेश्चन नंबर 78, जो समझाया गया उसको केवल ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे ए और बी लिख सकते हैं, या इसमें बी और सी है तो बी और सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर 1-2 नहीं लिखेंगे, बी और सी है तो बी और सी, तो ये बताइए बी को कितना, बी यहाँ सी और बी इसमें है, सॉरी पहले सी है तो पहले सी लिखे उसके बाद बी लिखे हैं, ये बताइए सी, तो सी को कितना टाइम लगा 4, तो सी वाला टाइम नीचे जाएगा, तो इसका टाइम नीचे 4 गया है, बी वाला को टाइम कितना लगा 9, तो इसका ऊपर जाएगा, है ना, इसका अनुपात निकाले 3:2 आ जाएगा, ठीक है, जो पहले दिया उसको पहले लिखना है, सी से बी पहले बोला था इसलिए पहले सी को लिखेंगे इसका और बी को लिखेंगे। चलिए अगला 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए 78, नंबर क्वेश्चन कहा गया है दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करता है, दो व्यक्ति है नाम कुछ नहीं दिया है ना, ये भी मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत है, किधर एक किधर जाता है, चलिए अब कहा है गति करता है तथा मिलने के पश्चात, मिला है मिलने के पश्चात क्रमशः 16 और 25 मिनट बाद अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, मतलब ये वो 16 में पहुंचता है, वो 25 में पहुंचता है, टाइम दिया है। कहता है दोनों के चालों का अनुपात बताइए, मतलब ए सी या बटी एस बी चाहिए, बताइए रूट में, ए
ए को कितना समय लगा, 16, तो 16 कहां जाएगा, नीचे। बी, अब बी को कितना टाइम लगा है, बी वाला को 25, तो कहां जाएगा, जस्ट इसके ऊपर जाएगा। यहां पर बताइए 5/4, तो 5:4 देखिए आंसर, 5:4 डी इसका आंसर हो जाएगा 78 का, ठीक है। के बाद 79 देख लीजिए, 79 का लैपलेस बना के देखिए आराम से क्या आंसर उसका आता है। 79 को पहले अपने से बनाइए, इसको नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद 79 को सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आता है उसका आंसर। सोल्व हो गया, नहीं हुआ तो वीडियो को रोक आराम से सोल्व कीजिए, बाद में इसको मिलाइएगा। कहता है एक रेलगाड़ी दिल्ली से पटना एवं दूसरी रेलगाड़ी पटना से दिल्ली की ओर गति करता है। एक दिल्ली से गया है पटना, एक दिल्ली से पटना, एक पटना से दिल्ली गया है। फिर कहता है दोनों रेलगाड़ी बीच में कहीं मिलती है, दोनों मिला है एवं मिलने के पश्चात क्रमशः 18 और 2 घंटा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात, मतलब दिल्ली और पटना वाला के चाल का अनुपात आपको चाहिए। जो पहले लिखा उसको पहले, अभी बताया भी थे, जो पहले डी है तो पहले दिल्ली वाला को लिखेंगे, पटना लास्ट में, बी बी तो पी को लास्ट में लिखेंगे। दोनों का अनुपात बताइए, दिल्ली को कितना समय, दिल्ली वाला गया था कितना समय, 18 घंटा था, 18 इसके नीचे नीचे जाएगा। पटना वाला कितना लगा है, 2 घंटा ऊपर लिख देंगे। चलिए कटे तो काट दीजिए, 9 × 2 = 18, मतलब आ गया रूट में 1/9, 1 का रूट 1 और है ना 9 का रूट 3, मतलब 1:3 आपका आंसर हो गया है, ठीक है। 79 था, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, 80 चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। आप पहले अपने से इसको बना सकते हो, बना लो, खाली ये ध्यान आपको इसमें ये रखना है कि टाइम सेम यूनिट में होना चाहिए, अगर सेम है तभी सोल्व होगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो सोल्व नहीं होगा। दोनों को घंटा बदल दिए, चाहे दोनों को मिनट में बदल दीजिए। चलिए देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, अगर आप लोग सोल्व कर लिए हैं तब, नहीं सोल्व है तो इसको रोक के सोल्व कीजिए। पहले आप अपने से बना के देखिए, क्या कहा गया, दो रेलगाड़ी ए एवं बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। दो गो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी आपका ए दिया है, दूसरा वाला रेलगाड़ी आपको बी दिया गया है, देख लीजिए, और कहा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर ए रेलगाड़ी है, यहाँ पर रेलगाड़ी आपका बी है, दोनों के एक है, एक इधर गया है, एक इधर गया है करती है, तथा मिलने के पश्चात, यहाँ मिला है, अब मिलने के पश्चात की स्थिति में क्या दिया है ये देख लीजिए, के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 4 घंटा, इसको ये को है जो पहले का उसको बोला है कितना, 4 घंटा + 48 मिनट, 48 मिनट। अच्छा दूसरा के लिए, बी के लिए कितना है, 3 घंटा + 20 मिनट ऐसे दिया है। अच्छा फिर कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल बताइए, छोड़िए उसको पहले, पहले आप ये बताइए सर, S1/S2 आप निकाल सकते हो, लेकिन S1/S2 निकालने के लिए जो आपको टाइम परफेक्ट दोनों सेम चाहिए थे, यहाँ देखिए 18 घंटा दिया था और 2 घंटा दिया था, या 18 मिनट या 2 मिनट, दोनों सेम होना चाहिए था यूनिट, लेकिन इसमें देखिए सेम नहीं था, सेम नहीं था, क्या कीजिएगा, पहले सेम यूनिट बना लीजिए, क्या कैसे इसको बनाइएगा, तो पहले क्या करते हैं सबको मिनट में बदल दिया, आसान हो जाएगा। बताइए 1 घंटा में के मिनट 60, तो 3 घंटा में 180, तो 180 मिनट ही +20 मिनट ही, ये टोटल कितना जाएगा, था 200 मिनट, तो आपको यहाँ आ गया सर, देख लीजिए सही है। अब इसको भी मिनट में बदलिए, इसको मिनट में कैसे बदलिएगा ये बताइए, 4 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में 60, तो 4 घंटा में 6 × 24
240 सौ प्लस 48 ये टोटल अगर मिनट निकालिएगा इसको तो ये आ जाएगा कितना 288 मिनट। आपको देखिए यहाँ 288 कुछ ही हो जाएगा मिनट, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। सेम यूनिट का होना एकदम जरूरी है, अगर सेम यूनिट नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं आएगा, इसमें फिर गलत हो जाएगा। अब कहा दोनों का स्पीड का पहला अनुपात बता देते हैं, एस ए डिवाइडेड बाई एस बी बराबर क्या लिखोगे रूट में। चलिए ए को कितना टाइम लगा है, तो ए का टाइम कौन है 288 है, तो नीचे लिख देंगे ऐसे 288 ठीक है। अच्छा बी को कितना टाइम लगा है देख लीजिए 200, तो यहां लिख देते हैं 200, अगर कटता है तो काट दिए, 2 से पहले काट दिए तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए काटेंगे तो 144 रूट में ही रहेगा, सॉरी 100 हो जाएगा, 2 से काटे हैं इसको 2 से काटेगा तो 144 आ जाएगा। ये बताइए एसे डिवाइडेड बाई एस बी का मान 100 का रूट 10 और इसका रूट बराबर है चौवाल से जानते हो तो 12 हो गया। अच्छा इसके बाद देखिए अनुपात नहीं पूछा, अभी और इसको काट सकते हो, काट लो इसको, और काटना है काटिए, कितना से यह आ जाएगा 5, 2 से काटे हैं 5 है, यहाँ 6 आ जाएगा, मतलब 5/6 आया है। इसके बाद देखिए आपको कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 है, ए का चाल दिया गया है 45 है, बी का चाल पूछा तब क्या कीजिएगा बताइए, ए के स्थान पे 45 यहाँ रख देंगे तो रख दीजिए यहाँ 45 बटे एस बी बराबर, इधर बोलिए 5 बटे 6 काट, इसको काटिए के बार में तो 9/5 45 फिर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 9/6 54 मतलब एस बी का जो पहलू आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पहले आंसर मिला होगा 54 सी इसका आंसर हो जाएगा, सी का सी, समझ में आया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसको फिर से थोड़ा समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सिचुएशन आगे भी आपको मिलेगा। यहाँ देखिए ये कहना चाहते हैं कि दो गो यहाँ पर रेलगाड़ी बोला है ए और बी, ए जो है बी की ओर, बी है जो ए की ओर जा रहा है, दोनों बीच में कहीं मिलता है ना, मिलने के पश्चात जो है ए को कितना टाइम लगा 4 घंटा 48 मिनट और बी को पहुंचने में कितना 3 घंटा 20 मिनट। अगर टाइम का यूनिट सेम नहीं है, घंटा मिनट दोनों कर दिया है तो दोनों को सेम कर दीजिए, आप ऐसे कर लो आसान हो जाएगा, घंटा को ही मिनट में बदल दीजिए तो 1 घंटा में 60 मिनट 3 घंटा में 180 हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट 4 घंटा में 240 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के हम मिनट में आ गया। अगर आपको यही इच्छा है कि सर हम इसको है ना मिनट में नहीं बदलना चाहते, इसको घंटा में बदलना चाहते तब भी इसको बना सकते हो, 60 तो 60 को यहाँ 20 है तो 20 को 60 से डिवाइड कर देना, फिर भिन्न के जोड़ जानते हो जोड़ लेना है, जैसे अगर तो आपको समझ में आ गया है। अगर इसको आप क्या चाहते हैं कि घंटा में बदल के इसको सोल्व करें तो कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिए तो ध्यान से देखिए बताइए, 3 घंटा का तो 3 घंटा रह जाएगा तो छोड़ दीजिए इसको, जोड़ 3 यहाँ हो गया घंटा में, यहाँ बताइए 20 बटे मिनट है तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से तो 20 3 60 3 एलसीएम लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 + 1 = 10/3 10/3 घंटा एक टाइम निकल गया, इसका टाइम कैसे निकलिए बताइए, 4 घंटा का 4 घंटा रहने दीजिए, 48/60 कीजिए देख लीजिए बताइए कटेगा 12 से तो 12/5 60 अब बढ़ चौके 48 सही है, यहाँ 5 एलसीएम ले लीजिए तो 5 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 जोड़ यहाँ आ जाएगा 4 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 5 इतना घंटा आ गया है। अब इससे भी सोल्व कर लीजिए सेम ही आंसर आएगा है ना, इससे भी अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए आंसर सेम रह जाएगा, बताइए एस ए बाई एस बी कैसे लिखिएगा, एस ए डिवाइडेड बाई एस बी बराबर रूट में लिखेंगे, बताइए ए को कितना टाइम आया है, ए को टाइम ये बना है 24/5 बी का टाइम नीचे 1/2 लिख दिया, अब कितना लिखेगा इसके नीचे लिख देना बी का टाइम 10/3 तो 3 कहां जाएगा ऊपर, चलिए अब बताइए काटिए इसको कैसे कटेगा, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जरा देखिए तो चलिए यहाँ थोड़ा सा लगता है गलती हो ना, इसको सुधारिए, बताइए क्या यहाँ पर लिखेंगे कैसे लिखाता है, जैसे तो उल्टा लिखा गया था एस ए तो ए वाला का टाइम कहाँ लिखाता है नीचे, तो ए का टाइम कितना है 24/5 तो 5 नीचे है कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा सही है। अब आइए बी का टाइम कहाँ लिखाएगा ऊपर कितना है 10/3 सही है।
अब आइए यहां देखिए, अगर कटता है तो इसको काटिए, कैसे काटिएगा इसको, दो से काटिए 12 और ये हो जाएगा 5। ये बताइए यहां से अगर एसए, अच्छा एसए का मान दिया था क्वेश्चन में, देख लीजिए 45 आई थिंक एसए का ही मान था, है ना, 45 जो है एसए का ही मान है, 80 में 45, हाँ ए का स्पीड 45 दिया था, रख दीजिए यहां पर आप, ये आ गया 45 डिवाइडेड बाई एसबी इज इक्वल टू ये 5 और 5 25, 25 का 5 आ जाएगा यहाँ, और है ना 12 में 3 से गुना कीजिए, 12 है 3 से गुना कीजिए 36, 36 का 6 हो जाएगा, सही है। अभी बताइए कटेगा, 9 5 45 कट जाएगा 9 से, और 9 6 का 54, देखिए तीसरा तीसरे गुना करके एसबी का मान आ जाएगा 54, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति आवर, सही, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। मतलब यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि देख लीजिए यूनिट सेम, हर हाल में यूनिट सेम होना चाहिए, तो आपको जो पहला वाला मिनट वाला बता बढ़ गया था थोड़ा सा आसान था, है ना, तो देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आसानी तौर पे बन जाए उसी से सॉल्व करना है। तो कौन सा हम लोग को था, क्वेश्चन नंबर 80 था। चलिए अब इसको क्या आपको करना है, ये जो इतना बड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें हो गया है, नहीं सेकंड नंबर थोड़ा आसान था, तो इसको जल्दी से सोल्व करके प्रयास आप कीजिएगा, इतना लिखना नहीं है, स्केच नहीं करना, दो तीन बार बनाओ, दो तीन बार के बाद खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ जो है ना बटा और रूट डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा, एक लाइन में आपको बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, सही है। चलिए तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला है जेल में।